गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम पार्ट 8 से 15 जो हमने हिंदी का सेकंड राउंड हमने किया है काम शुरू किया है, अब उसकी रिवीजन का काम शुरू हो गया बेटा। तो आज हम 8 से 15 पार्ट जो भी है उसके नए शब्दों का अभ्यास, जिसको आप लिखते हैं कठिन शब्द, यानी जो भी हमारे ऊपर बॉक्स में दिए होते थे नए शब्द या लेसन भी बीच में से जिसको हम बार बार रीड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें मात्राओं का अभ्यास होता है, आज हमने वो अभ्यास करना है। जो मैं वर्ड्स यहाँ पे लिखवाऊंगी कुछ एक का अभ्यास करवाती हूँ और कुछ एक वर्ड आपने खुद से आपने हिंदी की जो आपकी नोटबुक है कॉपी है उसके ऊपर ऐसे हेडिंग देकर पार्ट 8 से 15 नए शब्दों का अभ्यास करके इसका अभ्यास करना है, ताकि आपको सारी मात्राएं साथ साथ क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 8 हमारे प्यारे के है, हमने यहाँ पर पढ़े थे इखलाती, कुतर, शैतान, लकड़ हरे, लकड़ियां। तो अगर अब हमें इन सभी शब्दों को लिख लेना है यहाँ पर इखलाती। दूसरा कुतर, जरूरी नहीं कि आपने यही वाले लिखने हैं, हम लेसन में से भी जो आपको मुश्किल लगते हैं कुछ एक नए शब्द लगते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसे पढ़ा था कुल हाड़ियां, तो आपको इससे पता चलेगा कि इसमें एक वचन और बहुवचन भी था। ऐसे हमने कुल हाड़ी बड़ी की मात्रा होती है, जब हम उसको वचन बंद करते हैं तो हम कर देते हैं कुल हाड़ियां, तो हमारी क्या हो जाती है छोटी की मात्रा। तो इसमें हमारा एक वचन और बहुवचन भी क्लियर हो जाता है। तो आपने ऐसे ही कुछ एक नए शब्द और लिखने हैं, जैसे हमने लिखा सुदत्तने, जरूरी नहीं कि हमने वही वाले बॉक्स वाले ही लिखने हैं, कोई भी हम कठिन शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। हर लेसन में से आपने 8 और 9 वर्ड्स ले लेने हैं जिससे आपको पता चलता रहे। जैसे ये है उमड़े घुमड़े घुमड़े घुमड़े। नेक्स्ट है हिंडोले, हिंड बिंदी आएगी डोले, ये क्या वर्ड है हिंडोले। इटलाती, कुतर, कुल्हाड़ियां, फुदकने, उमड़े, घुमड़े, हिंडोले, ये कुछ शब्द हमने लेसन नंबर 9 से लिया है। एक शब्द है मुस्काई, इसके अंदर एक शब्द आता है मुस्काई। देखिए जब आपको ये बोला जाए कि दो तरह से वर्ड है आपके, एक दो तोते वाले लेसन में मुस्कुराए और एक है मुस्काए, तो इसमें फर्क पहले है मुस्काए। अगर हमने मुस्कुराए लिखना है इसमें भी आधा स का यूज होगा कुराए, इसमें का तो ऊ हो जाएगा राए, इसमें आ की मात्रा और ए ऐसे आया है, इसे मुस्कुराए ये होता है मुस्काए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में से करना है लेसन नंबर 10 है, जो इसमें से हम कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा भेड़िया, उसके बाद नेक्स्ट है चतुर, च त उ र, इसमें एक शब्द आता है बेटा मिर्च, मिर्च हम दो तरह से लिखते हैं, अगर हमारा सिंपल वे हो तो वो हमारेगा मिर्च, आप ऐसे लिखते थे पहले जब आप क्लास 1 फर्स्ट में थे मिर्च, एक्चुअली ये वर्ड ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाता मिर्च, च के ऊपर र, और र का अभ्यास मैंने आपको करवाया था र, जब ऊपर वाला हो तो इसको भी हम क्या बोलते हैं र, तो जब भी आपको मिर्च लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट शब्द जो हम लिखने जा रहे हैं लोमड़ी, या फिर मिलूंगी, बोलूंगी, खाऊंगी, तो मिलूंगी को ई, ल को ऊ, ऊपर चंद्रबिंदु आएगी ग की, मिलूंगी, तो ये आपके शब्द हो गए 14। यहाँ पे हमने लिख लिए नंबर 15 में है जैसे खाऊंगा ख आ ऊ, ऊपर चंद्रबिंदु और ग, इन शब्दों का आपने स्पेशल अभ्यास करना है जिसमें आपको जी बेटा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 12 जिसमें हमारा आया था शहीद, 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 देशभक्त, देशभक्त, आधा क आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है देशभक्त, अगर भगत बोला जाता है ग या क पूरा आता है इसमें भक्त, तो आधा क का प्रयोग होगा इसमें। इसके बाद हमारा है ज्ञानी, अभी ये होता है ज बना के इसको मारते हैं, जब हम इसको फोल्ड करते हैं इसमें दो अक्षर संयुक्त अक्षर शुरू होते हैं तो इसको बोलते हैं ज्ञानी। उसके बाद है हमारा बुद्धिमान, बुद्धिमान, कुछ बच्चे इस शब्द को जो पहले वाले हैं पेरेंट्स को कई बार बता देते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं बुद्ध, ध के पैर में आधा ध ऐसे लिखा
बुद्धिमान, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था बच्चों को, तो आपने बुद्धिमान इस तरह से भी आप देख सकते हैं आजकल आपके बुक में ऐसे आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द हमारा आगे है झूले, ज ऊ ल ए झूले, दुकाने दुकाने। तो बिंदी का आपने ध्यान रखना है कि आपकी बिंदी का प्रयोग कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, अगर आप इस पर नहीं लिखते हैं तो इसमें ये वर्ड गलत हो जाता है। अगर आप बिंदी नहीं डालेंगे दुकाने ऐसे बोला जाएगा दुकाने ने, अगर जब हमारी बिंदी की आवाज इसमें से आती है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द देखिए, हमारा पार्ट नंबर 14 ले लेते हैं। इसमें इसके शब्द थे जिसमें आदि शब्दों का प्रयोग था, जैसे सरस्वती सरस त्रती सरस्वती। नेक्स्ट था पाखंड, पाखंड ऊपर बिंदी ड पाखंड। उसके बाद जैसे हमने कुछ एक शब्द पढ़े थे प के बाद में र, तो ये बन जाता प्र चार, एक शब्द का प्रयोग हमने र ऊपर किया है मिर्च, एक हमारा प्रयोग यहाँ पर बीच में लाइन वाला है। और उसके बाद है मग्न, मग म ग आदि साउंड आ रही है तो इसमें आधा शब्द आएगा मग्न, ना कि मगन, मगन नहीं होता, यह होता है मग्न, तो आधा ग आएगा हमारा। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आदते, आदते अगेन इसमें बिंदी का प्रयोग हो रहा है तो पीछे बिंदी लगेगी। उसके बाद नहीना, और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं जादू, ज आ द उ। ये मैंने आपको कुछ नए शब्दों का अभ्यास करवाया है, आप कुछ और शब्द भी अपनी मर्जी से इसमें लिख सकते हैं। तो आज का आपका ये काम है कि आपने नोटबुक पर लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। ओके, थैंक यू।